नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कॉटन के अंदर परागकण कैसे होता है, या आप कह दो निषेचन कैसे होता है। ये कॉटन का फूल है, ये फूल होता है शाकाहारी कीटों को आकर्षित करने के लिए, इन पंखुड़ियों का काम केवल ये होता है। और फूल के अंदर आपको जो ये ऊपर का भाग दिख रहा है ये मादा है, और जो ये है चारों तरफ ये नर है, इसमें करोड़ों नर परागकण है। तो इस फूल के अंदर हमारे तीन तरह की बिटलें होती हैं, एक भूरी पुष्पक बिटल, एक चेपर बिटल और एक तेलन। तो वो बिटलें जब इसके अंदर आती हैं वो इसके नर भाग को खाएंगी, चाहे इन सजावटी है जो इसकी फूल की सजावट को खाएगी, चाहे कुछ भी करे तो वो इसको खाएंगी। तो इस नली से होते हुए, ये बीज नली है, इस नली से होते हुए परागकण इसके अंदर आएगा। तो आपका इसका जहाँ पे इसका बीज होता है वो मैं दिखाता हूँ नीचे, इसको तोड़ के निषेचन होगा, निशानी क्या होगी, निषेचन होगा उसकी निशानी भी बताऊंगा मैं आपको। ये जो ये नीचे की है ना, ये इसकी इसका गर्भ कह सकते हो आप, बच्चेदानी भी कह सकते हो। तो इसको हम ऊपर से इसको हटा देंगे, फिर आपको ये नली भी स्पष्ट दिखेगी। ये नर पुंकेसर है, इन नर पुंकेसरों को हमने हटा दिया। तो ये जो नली है ये इसकी मादा की बीजाणु नली है, और ये नीचे है जो ये बच्चेदानी है इसकी। इसके अंदर अगर हमारे चार खिलते हैं, जो फोआ खिलता है उसके चार डोडियाँ होती है, तो इसमें चार बीज जाएंगे। अगर तीन है तो तीन ही बीज जाएंगे, पाँच है तो पाँच बीज जाएंगे, वो इसका सिस्टम होता है। और इसका ज़्यादा परागकण का काम होता है लगभग 12 बजे तक, सुबह से लेकर लगभग 12 बजे तक इसका लगभग परागकण का काम होता है ज़्यादा तौर पे। तभी तो हम कहते हैं कि सुबह कोई भी अगर आपको स्प्रे डालनी है तो सुबह 12 बजे के बाद डालो, पहले मत डालो। इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी पानी चला गया तो ये बंद हो जाता है इसका मुँह। तो इसकी निशानियाँ भी इन्होंने पूछा, तो जो ये लाल हो गया 12 बजे के बाद, आप देखोगे कोई फूल है वो ऊपर से ऐसे थोड़ा सा लाल निकली किनारियां लाल नजर आएगी, उसके बाद आधा नजर आएगा, दो घंटे बाद शाम तक ये पूरा लाल नजर आने लग जाएगा। तो ये इसकी निशानी होती है कि इसमें परागकण हो गया है, निषेचन पूरा, इसकी निषेचन क्रिया पूरी हो गई, कोई कीट आया उससे निषेचन क्रिया पूरी हो गई। ठीक है जी, समझ में आ गया जी परागकण। ओके जी, धन्यवाद जी।